दर्शकों, जय भीम इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सबके लिए 14 अप्रैल 1834 यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन संविधान निर्माता, दलितों के उद्धारक, समानता और न्याय की सीख देने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, जिसके बदौलत हमें हमारे अधिकार प्राप्त हुए हैं और आज हम उसी महापुरुष के कारण सब मिलजुल कर रहते हैं, जिस कारण पूरे राज्य में 14 अप्रैल को विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर बाबा साहेब की 127वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत भर के सभी अम्बेडकरी और बौद्ध अनुयायी को मैं सलाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 127वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में ही नहीं तो यूनो में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के शोषितों के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के वंचितों के लिए, जो आदमी इस देश में कुत्ते और बिल्ली जैसा अपना जीवन व्यापन करता था, उस आदमी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आदमी बनाया है। और आदमी बना के इस देश में ऐसी मिसाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खड़ी कर दी कि अगर इस देश में स्वाभिमान और से रहना, इस देश में जो आदमी स्वाभिमान से रहता है वही आदमी प्रगति करता है, वही आदमी अपने विकास के मार्ग को खुले करता है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस दीक्षा भूमि पर क्रांति की, वो पूरे जग में, पूरे भारत और भारत के अनेक देशों में ये क्रांति की मिसाल है कि ये क्रांति रक्तरंजित क्रांति अनेक देशों में हुई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर 1956 को खून का एक भी कतरा न बहाते हुए 5 लाख लोगों को बाबा साहब ने धर्मांतर दिया। और यह ऐसी क्रांति है, इस क्रांति से इस समाज में जो बदलाव आया, इस बदलाव में इस समाज को आदमी बनने का मौका दिया। और इस समाज ने जब आदमी बना, आदमी बनने के बाद भारत भर में जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो इस देश में वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, ऐसे लोगों के लिए इस समाज ने बाबा साहब के विचारों से को लेकर बहुजन समाज में इतना प्रबोधन किया कि वो आज अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। अपने हकों के लिए लड़ते समय बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण इस देश में दिया है, उस आरक्षण के वजह से भारत में इतनी जो अम्बेडकरी समाज है उनकी जो प्रगति हुई, वो दुनिया में जो 2500 साल से जो आदमी शोषित था, ये बाबा साहब ने ऐसी किमया करके बताई कि इस समाज में 2500 साल का जो गुलाम है, उस 2500 साल के गुलाम की प्रगति 50 सालों में जो प्रगति हो गई, वो प्रगति पूरे देश के इतिहास में एक बड़ी प्रगति है। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब के इस क्रांति को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस परिवर्तन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब का जो विचार है उस विचार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ का जो दबा कुचला इंसान है, उस इंसान को हम गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं। यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है। जब तक आदमी आदमी से बैर रखेगा, तब तक बाबा साहब का विचार इस देश में पनप नहीं सकता। जिस दिन आदमी आदमी को पहचानने लगेगा, आदमी आदमी से प्रेम करेगा, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, इन 4 मूल्यों को लेकर बाबा साहब ने इस देश में लोकशाही का निर्माण किया है। अगर लोकशाही को जीवित रखना है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को हमें चलना होगा। अरतीय घटने चातु शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ति दिघंतात वाहे, दिघंतात वाहे। भारतीय घटने चातु शिल्पकार आहे,
सुगंधा परितव कीर्ति दिगंतात्वा हे दिगंतात्वा हे। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की 127वीं जयंती सिर्फ नागपुर में नहीं, सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाई जा रही है। इसलिए दुनिया में सभी रहने वाले सभी इंसानों को, सभी मानवों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में लख लख बधाइयाँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सप्रेम जय भीम। मैं सुधाकर कारमोरे, बाबा साहेब आम्बेडकर के 170वीं जयंती, इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे बौद्ध उपासक और उपासिका दीक्षा भूमि में पहुंच गए हैं, और दीक्षा भूमि पहुंचने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि अपना एक बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ पे दीक्षा दी थी, और यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कुछ अपन कहीं अच्छी जगह बैठ गए करके। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने, सभी बौद्ध लोगों ने 14 अप्रैल को यहाँ पे आने की विनंती करता हूँ, और हर साल 14 अप्रैल ऐसी मनाना चाहिए, ये मैं उनको विनंती करता हूँ। मागना कुणी पुढ़च आम्ही आलो या साऱ्याच्या भोर, आता आलो या साऱ्याच्या भोर। भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर, भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर, मागना कुणी पुढ़च आम्ही, मागना कुणी पुढ़च आम्ही, आलो या साऱ्याच्या भोर, आम्ही आलो या साऱ्याच्या भोर। भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर, ये भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर। तो मैं सब आपको शुभेच्छा देना चाहूंगा, और इसके बाद जैसा इसके पहले जो जिन्होंने वार्तालाप किया है उन्होंने जो बात बताई है वो सही में है कि यहाँ पे मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है, मगर इनका फंड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरी नगर पालिका प्रशासन से विनंती रहेगी, वैसे गवर्नमेंट को यदि कोई प्रपोजल भेजना है तो वो तहसीलदार साहब की तरफ से मेरे को दिया जाए, मैं डेफिनेटली उसको भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि वो प्रशासन की तरफ से हो जाए करके। 127वीं डॉक्टर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के इस स्मारक के यहाँ हमारे इस मंगरुलपुर तहसील के तहसीलदार जो अभिवादन करने को आए है, आज इस मंगरुलपुर तहसील की सभी जनता को उनका क्या अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर संदेश है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जय भीम सर। सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वरत्न इनकी 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। मेरा यही संदेश है सभी को कि यह जो जयंती है वो शांतिपूर्ण, क्योंकि बाबा साहेब शांति दूत थे, उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर इस भारत में शांतता प्रस्थापित की है। तो सभी से यही विनंती रहेगी कि हमारी यह जो जयंती है और आने वाला जो वक्त है वो शांतता में गुजरे, इसलिए सभी ने प्रयत्न करने चाहिए, कायदा और सुव्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और हर्षोल्लास से ज्ञान में ये जयंती हम मनाएं, यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। जय भीम। 14 अप्रैल हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि आज विश्व रत्न और भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, और हम सब के लिए ये खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है, बाबा साहेब हम सब के हैं,
सब हिंदुस्तान भारतवासियों के हैं, उसके उपलक्ष्य में मैं आज पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभेच्छा देना चाहते हूँ। आज का दिन मैं चाहते हूँ कि बाबा साहेब का 14 अप्रैल जो है विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस दिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाए तो बहुत अच्छा है, और नगर परिषद की ओर से हम ठराव पास करने की कोशिश करेंगे कि इसको फंड दिया जाए इस कार्यक्रम को और अच्छा मनाने के लिए। आज का दिवस जो है बाबा साहेब की याद में हम मनाते हैं, तो बाबा साहेब ने हिंदुस्तान के बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक काम किया है जिस तरह शांति से, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन उसी तरह हम एक नेक काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ कि जैसे विधवाएँ हैं उनकी मदद की जाए, यतीम बच्चे हैं उनकी मदद की जाए, और जो बच्चे हैं जो जिनके शिष्यवृत्ति नहीं मिलती, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, फीस नहीं भर पाते, तो बाबा साहेब के प्यार में, उनकी याद में हम उनकी मदद करें। और ऐसे लिए जिसकी भी जो भी आर्थिक स्थिति हो सकती है तो इस तरह से मदद करके हम बाबा साहेब के याद में हम योगदान कर सकते हैं। ये ऐसा सामाजिक अभियान चलाना चाहिए हर एक का अपनी हैसियत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा फंड बनाया जाए या कोई संस्था बनाई जाए, जिसकी जितनी हैसियत हो सकती है, अपने गरीब बंधु रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उसकी मदद करके आज 14 अप्रैल को हर्ष उल्लास से मनाया जाए। बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, उस योगदान को कि हम ज़ाया नहीं होने देंगे। और आज का जो माहौल है उसमें आज संविधान जो है, जिसने सब नागरिकों को एक समान खड़े रहने की और एक समान जीने का जो हक दिया है, उसके लिए अगर हम जन्म जन्मांतर तक बाबा साहेब का धन्यवाद माने भी तो कम है। अब हमें इस संविधान को बचाना है और इस संविधान के ऊपर हमें हमारे देश को चलाना है। यही मेरा संदेश है हमारे भारतवासियों के लिए। धन्यवाद। जय भीम। आंबेडकर जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं। त्या आयोजनाला त्या या एकूणही ज्यामध्ये त्याला फेस्टिवल म्हणून आहे, कोल्हापुरामध्ये 4 दिवसाचा उत्सव साजरा केला जातो। या उत्सवामध्ये समाजोपयोगी कार्य असणारे बाबासाहेबांचे विचार, फुलेच्या आंबेडकरांचे विचार तळागाळापर्यंत पोचवण्याचं काम या संस्थेमार्फत केलं जातं। त्यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक कामावर भर दिला जातो। यामध्ये पुरस्कार, रक्तदान शिबिर, अंधअपंग भोजनदान, शारीरिक साहित्य वाटप आदि कार्यक्रम या ठिकाणी केले। मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से हर साल विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के औचित्य पर समाज में फुले शाहू आंबेडकर जी की विचारधारा घर घर में पहुंचने वाले जे थोर विभूत है उनको समाज रत्न भीम क्रांति पुरस्कार के रूप से प्रदान किया जाता है। यह संस्थे का एक उल्लेखनीय कार्य है और यह 10वां साल है। इन लोगों को बाबा साहेब, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब और फुले और शाहू इनकी विचारधारा समाज के घरों घरों में पहुँचने का काम जी विभूति करते हैं, उन लोगों के कार्य की दखल हमारे फाउंडेशन के तरफ से लेते हैं और अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इन लोगों को हम यह पुरस्कार मानव रंग के शुभ हस्ते प्रदान करते हैं। उनका नाम बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के आज जन्म उत्सव भीम जयंती के तौर पे हम बड़ी उत्साह से मनाते हैं। और गत 15 साल से हम आम्रपाली नगर से आम्रपाली बुद्ध विहार समिति की तरफ से ये रैली निकालते हैं। आम्रपाली नगर से ये रैली हम एमएससीबी चौक, रेलवे स्टेशन गांधी चौक होते हुए यहाँ अंबेडकर चौक में हम इसका विसर्जन करते हैं। बड़ी धूमधाम से पटाखे वगैरह लगा के हम ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज ये हमारे लिए एक मानो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारी दिवाली है, जो बाबा साहब के बदौलत आज हम जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत है। यहाँ पे हमें आके संध्या सिंह, हाँ, अच्छा लगता है काफी। यहाँ पे लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलती है। यहाँ पे आते हैं तो इतने लोगों को खिलाते हैं, हमारे कॉलेज द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब बच्चों द्वारा। आज जो 14 अप्रैल है इसमें अंबेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है, जो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसमें हमारे विद्यालय के हमारे साथी लोग आए हैं और हम लोग भीम भोजन का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है यहाँ। किसके द्वारा आयोजन किया गया? ये हमारे UPTTI के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं सभी। सर मेरा नाम पंकज कुमार है और हम सभी छात्र UPTTI के स्टूडेंट हैं और इस ये पर बाबा साहब का जन्मदिन इंटरनेशनल फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य पे हम यहाँ की सभी जो जनता है जो भीम के अनुयायी हैं उनको हम भीम भोजन करवा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष, युग पुरुष, आप इनको फॉलो करना चाहिए, सभी लोगों को इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनको किसी दायरे में नहीं सीमित रखना चाहिए। ये हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के एक महान नेता हैं। मैं सोमनाथा सिंह बोल रही हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक संस्थान कानपुर की स्थापना 1991 में हुई थी और 1992 में सामाजिक समरसता बनाए रखने की दृष्टि से और सभी वर्गों के लोगों को एकत्रित करने की दृष्टि से और उनके बीच में बाबा साहब का एक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई और साथ ही भीम भोज की स्थापना की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोटी रोजी और भोज ये एक ऐसा विषय है जिससे समाज में एकता और समरसता स्थापित हो सकती है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं पहले नमन करता हूँ। आज भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 127वां जन्मदिन है, जयंती है। इस अवसर में पूरे देश में और पूरी दुनिया में उनको नमन करने जा रहे हैं और उसी तरह से हमारे नांदेड़ में मैं डॉक्टर यंगड़े भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा नांदेड़ का मैं अध्यक्ष हूँ। पूरे नांदेड़ की ओर से यहाँ जो बाबा साहब की प्रतिमा है नांदेड़ में उसके सामने बड़ी कतार से लोग आ रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ये दुनिया के पूरे स्तर के लोगों को उन्होंने कल्याण किए वाला है, इसलिए उनको पूरी दुनिया उनको मानती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इनकी 127वीं जयंती के निमित्त में हम सब यहाँ महिला और ढोल रैली निकाल रहे हैं। शुभम खंदारे के मित्र परिवार ये सब लोग यहाँ पे हैं। ये जन्मदिन मनाने के लिए हम हर साल रैली निकालते हैं। इस साल कुछ नया और अलग करने का था, तो महिलाओं का फायदा और बच्चों का ढोल, ऐसे करके हम ये रैली मार्केट
आज लेखनी न केला मालवाग बाबा साहेबांची लेखनी होती आग त्याच लेखनी न केला मालवाग बाबा साहेबांची लेखनी होती आग त्याच लेखनी न केला मालवाग नाकमुरडुनी बघताय तुम्ही आता नाकमुरडुनी बघताय तुम्ही पडलाय जीवाला घोर तुमच्या पडलाय जीवाला घोर भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर भीत नाही कुणाच्या बापाला ही भीमाची पोर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक अशा शुभेच्छा धन्यवाद. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पूर्ण वैजापूर शहरामध्ये सर्वांनीच बाबासाहेब यांचा आनंद घेतला आणि सर्व मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहिले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अभिवादन केलं. त्याबद्दल मी सर्व जनतेचे आभार मानते आणि इथून पुढे खरोखर हे नवीन जे मुलं तयार झालेले त्यांना मी शुभेच्छा देते कारण त्यांनी असंच बाबासाहेबांच्या कामामध्ये कधीही उतरपणा करायचा नाही आणि त्यांनी फार प्रामाणिकपणाने जे काम केलं त्याबद्दल त्यांचे पण आभार मानते कारण सर्व हे जे वैभव दिसतंय हे सर्व तरुणांची मेहरबानी आहे आणि तरुणांनी रात्रंदिवस इथं थांबून जे काम केलं त्यांना खरोखर मी हार्दिक शुभेच्छा देते आणि असेच बाबासाहेबाचे पायी होऊन सतत बाबासाहेबाचं काम करा आणि शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा कारण शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते दूध आपण पिलो तर वाघासारखं आपण गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही अन्याय अत्याचार आपण सहन करून घेणार नाही. जय भीम. बहुजन क्रांतीचे परनेते क्रांतीबा महात्मा ज्योतिबा फुले आरक्षणांचे जनक बहुजनांचे राजे छत्रपती राजेश्री शाहूजी महाराज गांधीजीचे प्राणदाते भारताचे भाग्यविधाते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हिंदी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज साहित्य सम्राट लोकशाह अण्णाभाऊ साठे पेरियार स्वामी नायकर शूरवीर महाराणा प्रताप संत कबीर संत रविदास संत गाडगे महाराज अहिल्याबाई होळकर राजमाता जिजाऊ क्रांतीची सावित्री माता रमाई माता भीमाई या महापुरुषांना अनुसरून आज वैजापूर शहरामध्ये थाटामाटामध्ये जयंती साजरी झालेली आहे आणि 127 जयंती ही मोठ्या थाटामाटाने शांतांच्या मार्गाने साजरी होत आहे. मी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून विठ्ठल भालराव या नात्याने बोलत आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे त्यामुळे फुले शाहू शिवराय बाबासाहेबांचे विचार देशाला तारू शिकेल देशाला वैभवाच्या शिखरावर नेऊ शिकेल कारण की महात्मा ज्योतिबा फुले राजेश्री शाहूजी महाराज विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व दिले. त्यांनी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी नीती संस्कृतीची शिकवण दिली. हे काम मी स्वार्थपणे आणि प्रामाणिकपणे केल्यामुळेच आज वैजापूर शहरात थाटामाटाने जयंती साजरी होऊन आणि शांतीच्या मार्गाने आम्ही काम करणार आहोत. एवढे बोलून दोन शब्द संपवतो. जय भीम जय भारत. त्यांच्या जयंतीच्या 127 जयंतीच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांना कोटी कोटी शुभेच्छा. आज विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची 127 जयंती संपूर्ण विश्वामध्ये मोठा आनंद उत्सव विसर्जन होत आहे. बाबासाहेबांचे विचार जगसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले आहेत परंतु खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांना बाबासाहेबांचं स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल तर बाबासाहेबांनी दिलेला संदेश शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी बाबासाहेबांनी दिलेला जो काही संदेश आहे तो अत्यंत मौल्यवान म्हणजेच विद्या प्रज्ञा करण्यास
शील आणि मैत्री या पंचतत्वाने प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपलं मार्गक्रमण केलं पाहिजे. आज बाबासाहेबांच्या विचारांची नितांत आपल्या सर्वांना गरज आहे. बाबासाहेबांचं करायचं असेल शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, कारण सर्व बाबासाहेब म्हणतात सर्व ज्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत या समस्या सोडवण्याची ताकद जर कशात असेल तर ती म्हणजे शिक्षणात. मला असं वाटतं शिक्षण जर आपण घेतलं तर आपल्या जीवनाचा उद्धार करू शकतो. म्हणून बाबासाहेब म्हणतात की आपण आपला करावा विचार करावा व्यापार वसू. आपली जीवनरूपी नवता तरुण घ्यायचं असेल, पार करायचं असेल तर आपल्याला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. हाच बाबासाहेबांचा एक महत्त्वाचा मंत्र आपण सर्वांनी ध्यानी ठेवून बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आज आपण सर्वांनी शपथ घेतली पाहिजे, ठरवलं पाहिजे की आपण बाबासाहेबांच्या विचाराशी एकनिष्ठ राहावं, राहून स्वतःचा शिक्षणाच्या माध्यमातून उत्कर्ष करावा. एवढीच या ठिकाणी या बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुनश्च एकदा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127 जयंतीच्या निमित्ताने सर्व जनतेस हार्दिक शुभेच्छा, कोटी कोटी शुभेच्छा. जय हिंद. विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या त्यांच्या 127 जयंतीच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांना कोटी कोटी शुभेच्छा. आज विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 127 जयंती संपूर्ण विश्वामध्ये मोठा आनंद उत्सवाने साजरी होत आहे. बाबासाहेबांचे विचार जगसामान्यांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, परंतु खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांना बाबासाहेबांचं स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल तर बाबासाहेबांनी दिलेला संदेश शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी बाबासाहेबांनी दिलेला जो काही संदेश आहे तो अत्यंत मौल्यवान, म्हणजेच विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील आणि मैत्री या पंचतत्वाने प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपलं मार्गक्रमण केलं पाहिजे. आज बाबासाहेबांच्या विचारांची नितांत आपल्या सर्वांना गरज आहे. बाबासाहेबांचं करायचं असेल शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, कारण सर्व बाबासाहेब म्हणतात सर्व ज्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत या समस्या सोडवण्याची ताकद जर कशात असेल तर ती म्हणजे शिक्षणात. मला असं वाटतं शिक्षण जर आपण घेतलं तर आपल्या जीवनाचा उद्धार करू शकतो. म्हणून बाबासाहेब म्हणतात की आपण आपला करावा विचार करावा व्यापार वसू. आपली जीवनरूपी नवता तरुण घ्यायचं असेल, पार करायचं असेल तर आपल्याला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. हाच बाबासाहेबांचा एक महत्त्वाचा मंत्र आपण सर्वांनी ध्यानी ठेवून बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आज आपण सर्वांनी शपथ घेतली पाहिजे, ठरवलं पाहिजे की आपण बाबासाहेबांच्या विचाराशी एकनिष्ठ राहून स्वतःचा शिक्षणाच्या माध्यमातून उत्कर्ष करावा. एवढीच या ठिकाणी या बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुनश्च एकदा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127 जयंतीच्या निमित्ताने सर्व जनतेस हार्दिक शुभेच्छा, कोटी कोटी शुभेच्छा. जय हिंद. सर्वप्रथम 127 जयंती निमित्ताने विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने जेतवन बुद्धविहार लाडगाव रोड वैजापूर यांच्यातर्फे सप्रेम जयवी. आज विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने सर्व विश्वामध्ये नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये आपण मोठ्या थाटामाटामध्ये जयंती साजरी करत आहोत. त्याचप्रमाणे आपल्या वैजापूर तालुक्यामध्ये अगदी ग्रामीण भागापासून तर शहरी भागामध्ये अगदी थाटामाटामध्ये जयंतीचं वातावरण आहे. पूर्ण शहरभर पूर्ण आंबेडकरमय वातावरण झालेलं आहे. दरवर्षीपेक्षा निश्चितच यावर्षी जयंती आपली धुमधडाक्यात होत आहे. सकाळी आपण पाहिलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ लाखोंच्या संख्येने भाविक, आपले उपासक आणि उपासिका, बालक बालिका अभिवादन करण्यासाठी जमले होते आणि मोठ्या जोमात जोशामध्ये वंदनेचा आणि त्रिवार वंदनेचा कार्यक्रम तिथे झाला, अभिवादनाचा कार्यक्रम झाला. त्यानंतर बौद्धविहारामध्ये खूप मोठ्या संख्येने, हजारोच्या संख्येने भावक, उपासिका आणि उपासक उपस्थित झाले आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन मान्यवरांची भाषणं झाली. अशा पद्धतीने जयंतीचा कार्यक्रम अगदी थाटामाटामध्ये उत्साहामध्ये साजरा झाला.
आगरकर गांधी सावरकर ते टिळक आगरकर आले गेले किती शंभर आले गेले किती शंभर सुट्टा बुट्टात हो सुट्टा बुट्टात शोभून दिसतोय भीमराव साऱ्यात एक नंबर सुट्टा बुट्टात शोभून दिसतोय भीमराव साऱ्यात एक नंबर जा रही है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा हुआ संविधान जिंदा रहेगा तब तक इस देश का एकात्मता अखंडता भी कायम रहने वाली है बल्कि वो नहीं रह सकती। इसीलिए मैं इस बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा हुआ संविधान है ये संविधान जिंदा रहेगा तो ही इस देश ये बहुत बड़ी ताकत से उभर आएगा बहुत बड़ी ताकत से प्रगति कर पाएगा मैं वरना नहीं कर सकता। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 127वीं की जयंती के अवसर पर मैं तमाम भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ और लाल बुद्धा को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वक्त यहीं स्थगित करता हूँ। खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशासाठी समाजासाठी कार्य केलं ते खरंच अमूल्य आहे आणि या कार्याच्या विद्यार्थी म्हणून आज त्या कार्यक्रम त्यांनी आपण साजरा करत आहोत आणि खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्याचा सतत गौरव करणे आहे। आज आमच्या गावामध्ये 18 तास हा अभ्यासाचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे म्हणून आम्ही सुद्धा सकाळपासून 18 तास अभ्यास करणार आहोत आणि रोज आम्ही असाच अभ्यास करणार। जे भीम मी तेलारा शहरातून मिलिंदनगर येथून बोलतो गौरवशील भारसाकडे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आणि भारीचा ज्येष्ठ नेता या नात्यानं आज बाबासाहेब आंबेडकर यांची जी जयंती 127 जयंती निघाली त्या जयंतीला सर्व बौद्ध उपासक उपासिका उपस्थित राहिल्या आणि सर्वांनी बाबासाहेबांचा आशीर्वाद घेतला। इथून मिलिंदनगर इथून रॅली निघाली ती सरळ ग्रामीण रुग्णालय तेलारा इथे गेली आणि रुग्णालय जाऊन तिथे सर्व रुग्णांना फळ फ्रूटचं वाटप केलं आणि तिथेल जे मेडिकल ऑफिसर आहेत मलसाहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये बाबासाहेबांना हार अर्पण करण्यात आलं आणि तिथं पूजावंदना घेऊन सरळ रॅली आंबेडकर उद्यान इथे गेली आणि तिथंसुद्धा पूजावंदना घेऊन त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचा आशीर्वाद घेण्यात आला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंती उत्सवानिमित्त तेलारा शहरामध्ये आज भव्यदिव्य अशी अभिवादनास्पद रॅली निघालेली असून त्या रॅलीला तेलारा शहरातील मिलिंदनगर भीमनगर सिद्धार्थनगर इंदिरानगर व पंचशीलनगर इथून सर्व बौद्ध बांधव एकत्रित होऊन सामूहिकरित्या तेलारा शहरातून भव्य अशी मिरवणूक निघाली व त्या अभिवादन रॅलीमध्ये सर्व तरुण मंडळी उत्साही मंडळी एकत्रित होऊन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवन पटावर त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानामध्ये त्याचा समारोप झाला। बाबासाहेबांनी सांगितलं शिका संघटित व्हा आणि अन्यायाला तुम्ही समोर द्या त्यामुळं आज जे आपण आहोत ते हे बाबासाहेबांच्या देणगीमुळेच आहोत।
बाबासाहेबांनी जर आमच्यासाठी राज्यात धक्का केली नसती तर आपल्यासारख्या काळाचे लोक तापमानानं आपण जगू शकलो. बाबासाहेबांनी सांगितलंय की नाचून मोठे होण्यापेक्षा वाचून मोठे व्हा. माझ्या गुणगान जयदा करण्यापेक्षा माझं राहिलेलं अपूर्ण काम तुम्ही पूर्ण करा. तसेच जर तुमच्याकडे दोन नाणी असतील तर त्या एक नाण्याची भाकर घ्या आणि दुसऱ्या नाण्याचं पुस्तक घ्या. भाकर तुम्हाला दगवेल तर पुस्तके तुम्हाला दगवण्याची कला शिकवेल असे बाबासाहेबांचे थोर विचार. अभी हमने देखा कि पूरे राज्य में बाबा साहब की 127वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और बाबा साहब के योगदान को याद किया गया. आज के लिए इतना ही. जय भीम.